सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी सितारगंज के दर्जनों सदस्यों ने पहुंचकर उप जिलाधिकारी सितारगंज को ज्ञापन सौंपकर सीनियर सिटीजनों के घूमने के लिए पार्कों का निर्माण व गुरुद्वारा के पास पुल पार नहर पर पैदल पथ व झाड़ियां आदि की सफाई आदि कराने की मांग की। कहा, सड़कों पर भीड़भाड़ के चलते सुबह शाम नहीं घूम पा रहे हैं वृद्ध वरिष्ठ नागरिक। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी सितारगंज के दर्जनों सदस्यों ने उप जिलाधिकारी सितारगंज मनीष बिष्ट को ज्ञापन देकर कहा है कि सितारगंज में वृद्ध नागरिकों को सुबह शाम घूमने फिरने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सीनियर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सितारगंज में पार्क तो बने हुए हैं, मंडी व नगर पालिका में पार्क बनाए भी गए थे, लेकिन उसमें अब कुछ भी नहीं है। उनको ठीक कराया जाए, साथ ही नए पार्क बनाए जाए। साथ ही सड़कें भीड़भाड़ वाली हैं, जहां घूमना फिरना मुश्किल है, इसलिए गुरुद्वारा रोड पुल पार नहर के ऊपर जो रोड बनी है उस पर टाइल्स लगाकर पैदल चलने की पटरी बनाई जाए जो चोर गलिया वाली रोड पर लगती है, में वरिष्ठ नागरिक सुबह शाम घूम फिर सकें। साथ ही बैंकों डाकघरों आदि में वरिष्ठ नागरिकों को लाइन में ना खड़ा होना पड़े, उसके लिए बोर्ड लगाकर निर्देशित किया जाए। साथ ही अमरिया चौराहे पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाए, साथ ही एक पार्क व पेड़ लगाए जाए जिसकी छाया में वरिष्ठ नागरिक बैठ सकें व पार्कों में घूम सकें। वहीं उप जिलाधिकारी सितारगंज मनीष बिष्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा नगर में पार्क व सड़कों के किनारे पैदल पटरी बनाने की मांग की गई है, जिस पर सुबह शाम वरिष्ठ नागरिक के हेतु इसके लिए नगर पालिका व कर जल्द ही इस मांग को पूरा किया जाएगा। मद्देनजर रखते हुए सुबह शाम की मॉर्निंग वॉक लोगों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है, सुबह शाम और व्यायाम करना, जो कि हमका एक बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ कोई पार्क नहीं है सितारगंज क्षेत्र में, उसमें सितारगंज क्षेत्र में कोई भी स्थान चिन्हित करके वहाँ पार्क डेवलप करने के लिए मांग पत्र दिया गया। दूसरा जो है राष्ट्रीय ध्वज, जो आपका मुख्य हमारा द्वार है यहाँ अमरिया चौराया, उस पर एक राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। तीसरा, वरिष्ठ नागरिक के लिए बैंक वगैरह में आदि जितने विभागों में है उसको वरिष्ठता के आधार पर उनको सुविधा मिलनी चाहिए। जिन्होंने यहाँ पर एक अनुरोध पत्र हमारे कार्यालय को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने शहर में पार्क बनाए जाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में जितने भी उपलब्ध विकल्प हैं उन पर विचार करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि बैंकों में जो लाइन लगती है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एक व्यवस्था हो। उस संबंध में सभी उपलब्ध बैंक मैनेजर से उनसे वार्ता करके उसका एक हल निकाला जाए।